दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं राजेश यादव फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपको अपने ब्लॉग वीर आरजे यादव ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं, ये वही स्थान है राजा विराट की नगरी, जहां पर पांचों पांडव एक साल का अज्ञातवास पूर्ण किए थे। और यही बहुत प्राचीन मंदिर है, गौरी शंकर महादेव मंदिर। और इनका जो निर्माण है अभी तो ये तो मतलब बहुत नया है, लेकिन बहुत पहले का ये मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है ये। ये निर्माण तो बहुत 2005-06 के लगभग का हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था कि जो अर्जुन ने बाण चलाया था, ये गंगा नदी, बाण गंगा नदी पैदा हुई थी। तो भैया बता सकते हैं आप कुछ बाण गंगा नदी के बारे में, कैसे पैदा हुई थी? हाँ, यहाँ से यहीं पर जो है कि राजा विराट का किला है, यहाँ पर पांच पांडव अज्ञातवास में रहा करते थे जी। तो जब गैया खंगवा हर के ले जा रहे थे कौरव, अच्छा, तो उनको जब मालूम हुआ तो अपना बाण रखे थे अज्ञातवास में, यहाँ रहना था, धनुष बाण लेकर नहीं चलते थे। तो धनुष बाण को छिपा कर बाणेश्वर महादेव जो वहाँ पर लेकर रखे, अच्छा। तो जब यहाँ मालूम हुआ तो उत्तरा कुमार उस लड़ाई के लिए अपना रथ निकाल कर चल दिए, साथ में अर्जुन गए जी। तो उत्तरा कुमार की तो बस की थी नहीं लड़ाई जी जी, तो अर्जुन भेष बदल कर थे जी, तो वही जो है धनुष बाण अपना वहाँ से लिए हैं और लड़ाई किए हैं, तो गैया को छुड़ा कर लाए। अच्छा। तो बाण गंगा जी की बात तो जहाँ तक आ गई, तो बाण गंगा इसलिए वहाँ पर प्रकट किए अर्जुन कि वो जो इनका धनुष बाण था, दांडी था, ये आपका वरदानी अस्त्र जी जी जी, ये इंद्रासन से अपना भीष्म पितामह के तरह जो है तपस्या करके सीखे थे और वरदान पाए थे जी। तो उनको ये भी साथ साथ वरदान था कि बिना नहाए छूना नहीं जी, जब नहा कर बिना नहाए छुएंगे तो कुछ भी मतलब अनहोनी हो सकती है। तो ये नहाने के लिए जो है कि घास का धनुष बाण बना करके पहले गंगा जी को प्रकट किए, अच्छा, तो उसमें नहान किए, तब उसके बाद जो है बाण को, अच्छा, और वही गंगा जल बाणेश्वर महादेव पर भी चढ़ाते हैं, वहीं से बाणेश्वर महादेव की भी अच्छा शुरुआत हुई। अच्छा, तो भैया आपको दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ये जो बाण गंगा नदी है, देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, आप ये देख सकते हैं, ये आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। बाण गंगा जी है वही बाणेश्वर महादेव से निकली है, हाँ, सीधे फिर उत्तराखंड में जाके साक्षात गंगा जी में मिल जाती है। हाँ, ये अर्जुन के बाण से निकली हुई बाण गंगा नदी, और ये जाके यहाँ से फिर मिलती है गंगा में, मिल जाती हैं। हाँ, और दोस्तों आपको दिखा दे रहा हूँ, मतलब इधर पगडंडी भी है, मतलब नदी के तीरे तीरे मतलब जा भी सकते हैं वहाँ पे स्थान पे जहाँ पे नदी का जहाँ से मतलब अवतरित हुई थी ये, जहाँ पे बाढ़ चलाए थे अर्जुन ने। तो दोस्तों मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ वीडियो, बने रहिएगा वीडियो में। और दोस्तों लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब, अगर जो जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये वही नदी है। तो आपको थोड़ा और अंदर तक मतलब नीचे जाके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये नदी में जैसे अब खेती बाड़ी भी होती है, देखिए दोस्तों ये राजा विराट की नगरी से है, ये देखिए वो आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, देखिए वो नदी पे एक पुल, इधर भी एक पुल यहाँ पे है, और ये देखिए जो विराट नगरी में। दोस्तों ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में, हम आपको लेके चलते हैं। पहले वीडियो में आपको बताया था मैं कि आपको वो स्थान दिखाने वाला हूँ जहाँ पे महाभारत काल में अर्जुन ने बाण मारा था और
यहाँ पर और ये बाण गंगा नदी पैदा हुई थी। तो आपको वह स्थान दिखाने वाला हूँ, लेके चलता हूँ वहाँ पे। और दोस्तों वह स्थान पे ही मैं लगभग पहुँच चुका हूँ। और दोस्तों ये मैं आया हूँ उसी नदी में। नदी तो बहुत ये पटा हो चुकी है, जैसे अब इसमें लोग बस नाम रह गया है एक नदी का। इसका पानी आते जाता रहता है, लेकिन ये नदी में जब बाढ़ ख़त्म हो जाती है तो देखिए धान लगा हुआ है, खेती करते हैं लोग। अब बीच में ये समझो ये यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए ये जो है ऐसे ही पतला नहर के जैसा अर्जुन के बाण से पैदा हुई है। और अर्जुन ने वो बाण चलाया था। तो दोस्तों यहाँ से देखिए कितना विहंगम नज़ारा है, ये कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग में आए हों। ये देखिए इतना मत के नीचे जाते जितना कन्हैया रही दोस्तों। ये है वो स्थान, ये वही स्थान है जहाँ पर अर्जुन ने बाढ़ चलाया था और ये नदी पैदा हुई थी। नदी को दिखा भी दो इधर, ये नदी अर्जुन के बाढ़ से ही पैदा हुई है, यहीं से उत्पन्न हुई है वो नदी। ये तो दोस्तों ये वही स्थान है। धूप गर्मी कितना भी पानी रहा देखो ये हमने अपने बचपने में आया था यहाँ पे, यहाँ पे पानी पीते थे हम लोग। हाँ पानी भैया आपका घर यहीं पड़ता है ना, आइए इधर आइए। जाना था लेकिन आप वीडियो में बताएंगे नहीं, हम बोलेंगे तो आदमी कैसा विश्वास करते हैं नहीं करते कि मतलब ये हो सकता है फर्जी बना के डाले होंगे। तो ये भैया का घर यहीं पे है, ये सामने घर घर दिखा था भैया का, ये घर है सामने। ये स्थान वही स्थान भैया ना, ये स्थान वही है। और ये कितना भी गर्मी पड़े मई जून के महीने में पूरा नदी सूख जाती है, लेकिन ये पानी यहाँ पे सूखता नहीं है। और ना यहाँ पे कहीं दूर दूर तक कोई टंकी है ना कोई पानी का सप्लाई है, मतलब ये पानी
बहुत, जबकि इतना पटा हो चुका है, हजारों साल हो गए होंगे महाभारत काल को खत्म होके, लेकिन अभी भी पानी निकलता है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ऐसे ही आपको नई नई वीडियो दिखाऊंगा मैं, इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू बस।